जब मैं निर्दलीय विधायक था और जीतनराम मांझी जी मुख्यमंत्री बने थे और जब इनको हटाने के लिए नीतीश जी ने प्रस्ताव लाया था तो मैं निर्दलीय विधायक के रूप में जीतनराम मांझी जी का समर्थन किया था। तो मेरा यहाँ पारिवारिक संबंध है, मैं अपने घर में आया हूँ और घर में आने के लिए हमको इजाजत की जरूरत नहीं। हम परिवार के अंग हैं और आज के दिन में इन्होंने इस्तीफा दिया है तो इस परिवार में तो ये मांझी जी सम्मान से समझौता करने वाले लोग नहीं है। 40 साल का संसदीय जीवन है और इनको कोई दबा के चाहेगा कि हम राजनीति कर ले, दबा के निर्णय करा दे तो मांझी जी इसको स्वीकार नहीं कर सकते। जदयू का तो काम ही खत्म है तो जदयू की बात क्यों कर रहे हैं आप? आप लोग मांझी जी की बात कीजिए, आप लोग कैसे मांझी जी का जो निर्णय होगा हम लोग उसका स्वागत करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ रवि रंजन, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन मांझी ने जो राजनीतिक दांव खेला है उससे बिहार के सियासी गलियारे में हलचल तेज है। आरोप लग रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि बीजेपी ने साजिश रच के ये कदम उठवाया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं आई है। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल ने जीतनराम मांझी के घर पर जाकर उनसे मुलाकात की। ये मुलाकात एक घंटे से ज़्यादा की थी। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि 2 घंटे इंतज़ार कराया आपने, तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरा घर है। जीतनराम मांझी को जब मुख्यमंत्री से हटाया जा रहा था, मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा था, तब भी मैंने जीतनराम मांझी का सपोर्ट किया था, तो मैं अपने घर आया था। और क्या बातचीत हुई इस बारे में पवन जायसवाल ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन पवन जायसवाल ने संकेत दिया कि जीतनराम मांझी जो फैसला लेंगे बीजेपी उस फैसले को स्वीकार करेगी। तो सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि पवन जायसवाल ने जीतनराम मांझी से मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। ये तो मेरा घर है, यहाँ इंतजार की कौन सी बात है भाई? ये हमारे घर को घर में इंतजार क्यों आए थे? आने का पर्पस क्या था? पर्पस क्या था आने का? आप लोग शायद दिया है क्या? आप लोग शायद आप शायद अवगत होंगे कि जब मैं निर्दलीय विधायक था और जीतनराम मांझी जी मुख्यमंत्री बने थे और जब इनको हटाने के लिए नीतीश जी ने प्रस्ताव लाया था तो मैं निर्दलीय विधायक के रूप में जीतनराम मांझी जी का समर्थन किया था। तो मेरा यहाँ पारिवारिक संबंध है, मैं अपने घर में आया हूँ और घर में आने के लिए हमको इजाजत की जरूरत नहीं। कुछ बातचीत तो हुई होगी? आज का दिन है, हम परिवार के अंग हैं और आज के दिन में इन्होंने इस्तीफा दिया है तो इस परिवार में तो अगर एनडीए में आना चाहेंगे तो क्या स्वागत करेंगे आप लोग मांझी जी का? देखिए मांझी जी सम्मान से समझौता करने वाले लोग नहीं है। 40 साल का संसदीय जीवन है और इनको कोई दबा के चाहेगा कि हम राजनीति कर ले, दबा के निर्णय करा दे तो मांझी जी इसको स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जेडीयू दबाव डाल रही थी मर्जर करने की पार्टी को, उनके जेडीयू का तो काम ही खत्म है तो जेडीयू की बात क्यों कर रहे हैं आप? आप लोग मांझी जी की बात कीजिए, आप लोग कैसे ट्रीट करेंगे? आप लोग कैसे ट्रीट करेंगे? मांझी जी का जो निर्णय होगा हम लोग उसका स्वागत करेंगे। तो चलिए, मांझी अब एनडीए के समर्थन में आ जाएंगे इसके कयास तो लगाए ही जा रहे हैं, लेकिन अभी तक मांझी की तरफ से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो बिहार की राजनीति इस समय दिलचस्प मोड़ पर है। हर अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं, देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार पर राजनीति से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आपके लिए लेकर हम आ रहे हैं, तो जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।